हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडल के जो अपकमिंग एग्जाम्स है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इंस्टीट्यूट डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में। अगर आपने एडमिशन लिए हो, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप पास हो चुके हो, ऑनलाइन में एग्ज़ाम था, फर्स्ट सेम हुआ, सेकेंड सेम हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, TY BCom के फिफ्थ सेमेस्टर कब होगी। फिर से सुनो, TY BCom फिफ्थ सेमेस्टर आइडल, TY BCom बोलो, TY BSc बोलो, TY BA, सारे कोर्सेज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम फिफ्थ सेमेस्टर की कब होगी, ताकि रेगुलर की तो हो गई है। अब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि सर एग्जाम कब होगी, जनवरी में होगी, फरवरी में होगी, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट ईयर के भी हो, सेकेंड ईयर के भी हो, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ताकि जब इनकी एग्जाम होगी तभी भी हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, आइडल से हो और कन्फ्यूजन में हो कि एग्ज़ाम कब होगी, अब जब फिफ्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर भी होगी, मतलब फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट सेम होगी और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी थर्ड सेमेस्टर होगी। लेकिन सर आप ये बताओ कि एग्ज़ाम कब होगी। एक हम लोग एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं नवंबर में ही, अभी 15 नवंबर लास्ट डेट थी एडमिशन के लिए, जुलाई सेशन के लिए। हम लोग दो सेशन होता है ना, एक जुलाई सेशन होता है, एक जनवरी दिसंबर सेशन होता है। तो जुलाई सेशन का जस्ट एडमिशन क्लोज हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी SOI से TY में गए, उन लोगों ने भी अभी 15 तारीख तक ही एडमिशन ले लिए। अगर हम मान के चले, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी गए थे आइडल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो वहाँ के डिपार्टमेंट से ऐसी अपडेट आ रही है कि आपके एग्ज़ाम जनवरी में होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो। ऐसा उनका मानना है कि 23 जनवरी, मतलब 2023 में स्टार्टिंग मंथ, फर्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होगी। क्या ये पॉसिबल है इतने जल्दी आइडल एग्ज़ाम कंडक्ट करें? मुझे ऐसा लगता है कि जैन में आपके एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए और ना ही होगे। सर सच, यस, मैं अगर बताऊँ, आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं फेब में होने का चांसेस है। एज पर द UGC सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 3 मंथ पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है उनको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ऐसा तो और ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 3 महीना। अगर हम मान के चले दिसंबर जनवरी, बस 2 ही महीना हो रहा है, क्या 2 महीने में बच्चे की या स्टूडेंट्स की तैयारी हो जाएगी? नॉट पॉसिबल ही नहीं ना। तो भी आप उनके हिसाब से सोचो कि जनवरी में एग्ज़ाम हो रही है, ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी अगर आप कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हो, आप मन को यही बताओ, अपने दिमाग को यही बताओ कि आपकी एग्ज़ाम जनवरी में होगी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि इसका ऑफिशियल सर्कुलर कब आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, पहला ऑप्शन तो आप उनके ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, हमारा एक ग्रुप है आइडल स्टूडेंट्स में, हम गाइडेंस देते हैं, वो ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप हमारे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग सेशन होता है स्पेशल फॉर द आइडल स्टूडेंट्स के लिए, जिनको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है किसी के थ्रू, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप डायरेक्टली हमारे लिंक के थ्रू ग्रुप में जुड़िए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा एग्जाम को लेके, तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। जैन ऐसा बोल रहे, लेकिन मेरे को नहीं लगता है फेब में ही होगी एग्जाम आपके। लेकिन अगर हो जाते हैं, इसके लिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एवरीवन डन। और TY BCom स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं, रिसेंटली अभी एग्जाम हुए थे रेगुलर के, तो उसके हम लोग ने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए। अगर वो सारी चीज़ों को आप पढ़ते हो, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने बताए, तो डेफिनेटली आप
पास हो जाओगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और देना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे से आप क्लासेस ले सकते हो। ऑलरेडी हम लोग ने F5 BCom के भी वीडियो अपलोड किए हैं, जितना पॉसिबल हो रहा हम आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पर्सनली या तो फिर कुछ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल चाहिए, तो अभी हमारे पास में अवेलेबल है, आप दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमें कॉल कर सकते हो। होप अब समझ में आ गया रहे कि जैन में उनकी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो सकता है एग्ज़ाम, ताकि मिनिमम इतने दिन तो दिए जाते है ना, ताकि अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को भी देखे तो उनको भी 3 महीने मिलते, तो आपको भी 3 महीने मिलेंगे और जैन एंड या फैब में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस है। अपडेट के लिए आप चैनल के ग्रुप में जुड़ जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसके लिए बोलता हूँ, फ़ायदा आपका ही, नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो तो कहीं पर भटकने की ज़रूरत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ए वीडियो, बाय बाय।